नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईफोन 13 के कुछ बैक कवर, जिनको मैं इस फ़ोन के ऊपर अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, जो दोस्तों मैंने खुद यूज किए हुए हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। क्योंकि दोस्तों आज कल जो लोग कवर यूज करते हैं, मैं उसी तरीके से कवर लेकर आया हूँ। मेरे पास 3 कवर हैं जिनका मैं आपको रिव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर आप कोई कवर यूज करते हो, आईफोन 13 के लिए कोई कवर देख रहे हो, तो मैं आपको सस्ते, क्योंकि दोस्तों कवर तो आईफोन 13 के काफ़ी महंगे महंगे आते हैं, बट मैं आपको ऐसे कवर बताने वाला हूँ जो दोस्तों काफ़ी सस्ते हों और काफ़ी अच्छे भी लगें। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें, और वीडियो को पसंद आई दोस्तों आपको तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले कवर की बात करूँ तो दोस्तों वो दोस्तों ये देखिए, ये ब्लैक कलर का जिसमें एक रिंग दी गई है, जिसमें आपका फ़ोन का जो एप्पल का लोगो साफ क्लियर नज़र आएगा। प्लस दोस्तों हमारा दोस्तों ये कवर का जो कैमरे का जो सिस्टम है पूरा कवर है, देखिए पूरा कवर है। तो दोस्तों ये कवर उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका ये कैमरे का पूरा बम्प जो है दोस्तों पूरा कवर हो जाए। बट अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अपने कैमरे के फ़ोन के कैमरे के ऊपर जो रिंग लगाई हुई है ये, तब ये कवर आपके लिए बेस्ट नहीं है इस तरह का। क्योंकि एक तो कैमरे के ऊपर जो रिंग लग गई ये प्रोटेक्शन, प्लस दोस्तों ये कवर के ऊपर जो, तो इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई फ़ोटो वगैरह खींचती हो तो वो इतनी क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि कैमरे के ऊपर डबल डबल जो लेयर आ जाएंगे इस वजह से। बट अगर आपने कैमरे के ऊपर कोई रिंग नहीं लगाई है तो आप इसको लगा सकते हो। और दोस्तों जो ब्लैक कलर का मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि ब्लैक कलर में दोस्तों गोल्डन की शाइनिंग वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये देखिए अगर आपके पास वाइट कलर का फ़ोन है या पिंक कलर का है, कोई और कलर का है, तो ये कवर काफ़ी प्यारा लगेगा उसके ऊपर। आप देख सकते हो हमारा फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है इस कवर में। दोस्तों एक तो कवर ये हो गया, बट मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके कैमरे के ऊपर कोई पहले से लेंस अप्लाई है रिंग, तो आप इस कवर को यूज ना करें। इस तरह के कवर को आप खुला हुआ कवर लें, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये काफ़ी अच्छा कवर है दोस्तों। अब मैं आपको दूसरा कवर दिखाता हूँ, और दोस्तों तीनों ही कवर की जो प्राइस है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा लास्ट में आगे। तो पहला कवर दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों दूसरा कवर दिखाता हूँ मैं, जो है दोस्तों ट्रांसपेरेंट। काफ़ी लोगों को ट्रांसपेरेंट कवर अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये है एकदम ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर, मतलब काफ़ी मुलायम है दोस्तों। ये देखिए बट मुलायम है, बट दोस्तों पतला नहीं है, काफ़ी मोटा है, जिससे आपका फ़ोन अगर गिर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये देखिए आसानी से अप्लाई हो गया जी। दोस्तों इसमें आपका फ़ोन का दोस्तों जो कलर है डिजाइन है क्लियर नज़र आएगी, और आपका फ़ोन दोस्तों चारों तरफ से पूरा कवर है, ये देखिए। और अगर आपका फ़ोन दोस्तों गलती से कभी ऐसे भी गिर जाता है तो भी ये काफ़ी हद तक आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इसका दोस्तों कवर का जो साइड है ये डिस्प्ले से बाहर की तरफ थोड़ी निकली हुई है, ये देखिए हल्की हल्की बाहर की तरफ निकली हुई हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा कवर है। अगर आपको एक नॉर्मल कवर चाहिए जो दोस्तों आपके फ़ोन के ऊपर अगर रिंग वगैरह अप्लाई है तो ये काम करेगा, प्लस आपके फ़ोन का कलर डिजाइन सब ये इसमें से शो होगा। अब दोस्तों मैं चलता हूँ तीसरे कवर की तरफ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों दो कवर हो चुके हैं हमारे, अब मैं तीसरा कवर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों तीसरा कवर है हमारे पास, ये भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप में है, बट ये थोड़ा हार्ड कवर है जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसकी क्वालिटी बताता हूँ, बिल्ड क्वालिटी देखिए काफ़ी हार्ड है, साइड से भी और दोस्तों पीछे से भी काफ़ी हार्ड कवर है, मुड़ भी है, प्लास्टिक का कवर है ये दोस्तों, हार्ड प्लास्टिक का। तो इसमें क्या है दोस्तों, जब आप अपने फ़ोन को इसमें अप्लाई करते हो, ये देखिए मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, क्योंकि ये कवर दोस्तों इन सब में यही कवर सबसे महंगा है तीनों में। तो देखिए आपका फ़ोन जो डिजाइन है दोस्तों क्लियर नहीं आएगी, प्लस जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों एक कलर दिख रहा है आपको साइड से, यही कलर दोस्तों इसके ऊपर था जो अभी हल्का हल्का हट चुका है, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो चुका, 2 से 3 महीने हो चुके इस कवर को। तो दोस्तों ये कवर बेस्ट इसलिए है कि अगर आपको ऐसा कवर चाहिए जिसमें आपका फ़ोन एकदम परफेक्ट शेप रहे, प्लस बटन की जो डिजाइन वगैरह वो काफ़ी अच्छी हो, और अगर गिर भी जाता है तो आपके फ़ोन में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए।
तो ये कवर आपको बेस्ट रहेगा आपके फ़ोन के लिए। और दोस्तों इसमें कई कलर आते हैं, अगर आपके पास कोई और कलर का फ़ोन है तो आप उससे मैच किए हुए साइड के कलर को ले सकते हो। अब इन तीनों की प्राइस की बात करूँ दोस्तों मैं, और दोस्तों प्लस इसमें क्या है, अगर आपके फ़ोन में रिंग भी लगी हुई है ना तो भी ये यूज हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस कवर की प्राइस की, और दोस्तों जो प्राइस है दोस्तों मैं आपको ऑफलाइन वाली बताऊँगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है प्राइस कम बढ़ती होती रहती हैं, और मैंने तीनों ही कवर ऑफलाइन लिए हैं, कोई ऑनलाइन नहीं लिया। तो दोस्तों ये कवर है, ये 300 कुछ रुपये का, जो मैंने अपनी मार्केट से लिया था, बट अगर अभी आप लेते हो तो जी आपको 250 रुपये के समथिंग मिल जाएगा। दोस्तों सिलिकॉन वाले कवर की बात करूं तो ये आपको ऑनलाइन 200 के समथिंग मिलेगा, बट अगर आप अपनी मार्केट से इसे लेते हो तो जी सिर्फ आपको 80 या 90 रुपये के समथिंग मिल जाएगा, यानी दोस्तों जी आपको 100 रुपये से भी कम में मिल जाता है मार्केट के अंदर। तो आप अपनी मार्केट से ही खरीदें अगर आपको एक ट्रांसपेरेंट कवर चाहिए या कोई सा भी कवर चाहिए तो। अब दोस्तों तीसरा कवर की बात करूँ, ये वाला जो ब्लैक कलर का है, ये भी दोस्तों मुलायम वाला है, देखिए बट देखने में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी प्रोटेक्ट है आपके कैमरे वगैरह इसके अंदर। ये भी दोस्तों आपको मार्केट के अंदर 140 रुपये से लेकर 150 रुपये के समथिंग मिल जाता है आपकी ऑफलाइन मार्केट में। तो ये तीन कवर हैं जो दोस्तों काफ़ी बेस्ट हैं तीनों तरह के, और तीनों दोस्तों काफ़ी अच्छे अलग अलग डिज़ाइन में आते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप अपने फ़ोन के लिए कोई कवर देख रहे हो तो आप अपनी ऑफलाइन मार्केट में जाके पहले ट्राई करें, क्योंकि वहाँ दोस्तों आप अब कोई भी कवर अपने फ़ोन पे यूज़ करके भी देख सकते हो कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर दोस्तों कुछ पैसे कम भी कर सकते हो। और जब आपको ऑफलाइन में समझ नहीं आ रहा है उसके बाद ही दोस्तों आप ऑनलाइन पर ट्राई करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप आईफोन से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उसे वीडियो पसंद आई हो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।